बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम कन्वर्जेंस और कम्प्लीटनेस इन मैट्रिक्स स्पेसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि अगर हम एक मैट्रिक्स स्पेस में कोई सीक्वेंस ले लें तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो एक पॉइंट एक्स की तरफ कन्वर्ज करेगा अगर हमारे पास एक किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट या हर पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन एग्जिस्ट करे, यहाँ तक कि सीक्वेंस xn और x के दरमियान फासला जो है वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। मतलब इस बात का ये कि n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n का मतलब कि n अप्रोच करे इन्फिनिटी की तरफ। सादा अल्फाज में इस बात का ये मतलब है कि जितना ज्यादा हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो सीक्वेंस xn और x के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होता जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस xn जो है वो पॉइंट x की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। n अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो सीक्वेंस xn को x की तरफ जाना चाहिए अगर वो कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट x की तरफ। ठीक है, अगर सीक्वेंस xn पॉइंट x की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो फिर इस केस में n ये तभी मुमकिन होना चाहिए अगर n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि we write xn approaches to x as n approaches to infinity, या दूसरी नोटेशन भी हमने इस्तेमाल की हुई है कि लिमिट n approaches to infinity xn equal to x, या लिमिट n approaches to infinity distance between xn equal to 0। इन सब बातों का यही मतलब है जो हमने अभी यहाँ पर बात की है कि xn और x के दरमियान फासला कम से कम होता जाएगा जब n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, बढ़ती जाएगी जितनी ज्यादा। अच्छा, अगर ये पहली बात तो ये कि ये इस बात की गारंटी नहीं है क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, और जिस पॉइंट की तरफ वो सीक्वेंस कन्वर्ज करे वो पॉइंट उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो फिर अगर एक सीक्वेंस जिस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट यूनिक होना चाहिए, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्राडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस कन्वर्जेंट xn जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसका लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं है, मतलब वो दो पॉइंट्स x और y की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो अब चूंकि अगर x और y हमारे पास दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, हमने कहा ना कि xn जो है वो दो मुख्तलिफ x और y पॉइंट्स की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो मतलब ये हुआ कि x जो है वो एक तरह से y के बराबर नहीं है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना, तो ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो जीरो से बड़ा होता है। तो फर्ज कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस बिटवीन x और y किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास एप्सिलॉन के बराबर है। यहाँ पर थोड़ा सा ये फुल पिक्चर नहीं आ सकी, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये आप लोग नोट कर लें कि ये बराबर है किसके, एप्सिलॉन के बराबर है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एप्सिलॉन के बराबर है। अब देखें xn कन्वर्ज कर रहा है x की तरफ, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n1 एग्जिस्ट करेगा यहाँ तक के xn और x के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम से कम होता जाएगा, मतलब एप्सिलॉन बाय 2 से कम होता जाएगा अगर n की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाए या बढ़ती जाए। और इसी तरह xn y की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर n2 एग्जिस्ट करेगा यहाँ तक कि xn और y के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन बाय 2 से कम होता जाएगा जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा। हम ऐसा कर लेते हैं n1 और n2 में से कोई एक मैक्सिमम, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। फर्ज करें इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू n है इनमें से। ठीक है, तो हम जरा इन इनइक्वालिटीज को सिंपल कर लेते हैं, मतलब ऊपर n1 को n से और n2 को भी n से, क्योंकि मतलब तो ये है ना कि n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या n की वैल्यू बढ़ती जा रही है और xn और x के दरमियान भी फासला कम होता जाएगा और xn और y के दरमियान भी फासला कम होता जाएगा जब n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अब हम मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x प्लस डिस्टेंस बिटवीन xn एंड y। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये तो एप्सिलॉन के बराबर है, हमने फर्ज किया हुआ है ना कि ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एप्सिलॉन के बराबर है। xn और x के दरमियान भी डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 से कम है और xn और y के दरमियान भी डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 में कम है, तो ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में बदल जाएगी, मतलब एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से कम आएगा। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये एप्सिलॉन के बराबर है, मतलब एप्सिलॉन अपने आप से कम आ रहा है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन से कम आ रहा है, मतलब अपने आप से कम आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह का नंबर वो अपने आप से छोटा हो ही नहीं सकता। ये हम एक कंट्रडिक्शन है। ये क्यों कंट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने सपोजिशन गलत ली हुई थी कि एक्स वाई के बराबर नहीं है, हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी कि एक्स एन जो है दो मुख्तलिफ पॉइंट्स की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई फिर एक जैसे पॉइंट है, मतलब ये हुआ कि अगर लिमिट पॉइंट किसी सीक्वेंस का एग्जिस्ट करता है तो फिर वो क्या होता है, यूनिक होता है। अगर एक सीक्वेंस किसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो फिर वो यूनिक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता होता है। ठीक है, बहुत सिंपल थ्योरम है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास काशी सीक्वेंस की एक डेफिनेशन है। काशी सीक्वेंस आपने रियल में पढ़ा होगा कि एक मैट्रिक्स स्पेस है
हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस काशी सीक्वेंस, उसमें अगर हम एक सीक्वेंस ले तो वो काशी सीक्वेंस कहलाएगा अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर x n एग्जिस्ट करे, यहाँ तक कि n और m, x n और x m इनके दरमियान फासला जो है वो एप्सिलॉन से कम होगा, जब n और m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n लिखेंगे, मतलब x n और x m इनके दरमियान जो फासला है वो कम से कम होता जाएगा जब n और m की वैल्यूज इंफिनिटी की तरफ जाएंगी। अब देखें काशी सीक्वेंस असल में हमारे पास और एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक्स एन वो भी तो एक पॉइंट एक्स की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। अब हम काशी सीक्वेंस की क्या बात करते हैं, काशी सीक्वेंस एक्चुअली एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब हम इस काशी सीक्वेंस में हम एक सीक्वेंस के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, मतलब हमने इस सीक्वेंस एक्स एन से इसके दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स एन और एक्स एम, और हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस काशी होगा अगर एक्स एन और एक्स एम के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम से कम होता जाए जब एन और एम क्या होंगे इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएंगे, इनकी वैल्यूज हमारे पास बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जिस तरह 1 बाय एन ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है, रियल नंबर में कॉस एन पाई एन ये भी हमारे पास काशी सीक्वेंस है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, क्योंकि इसमें अगर काशी सीक्वेंस कोई भी दो एलिमेंट्स आप लेंगे तो उनके दरमियान एप्सिलॉन से जो डिस्टेंस है वो कम आएगा अगर n और m की वैल्यूज इंफिनिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो अब एक थ्योरम है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो डायरेक्ट पार्ट में हम कल फर्ज कर लेते हैं कि डायरेक्ट पार्ट में हमने ये साबित करना है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, काशी होगा। तो हम एक्स एन मैट्रिक्स स्पेस में से कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेते हैं, मतलब एक्स एन एक्स की तरफ कन्वर्ज कर रहा है जब एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, हमने साबित करना है कि एक्स हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस है, क्योंकि एक्स एन एक्स की तरफ जाएगा तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि एक पॉजिटिव इंटीजर एन वन के लिए एक्स एन और एक्स के दरमियान डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा जब एन इन्फिनिटी की तरफ जाए। इसी तरह अगर हम n को m से रिप्लेस कर लें तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n2 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि x m और x के दरमियान डिस्टेंस m एप्सिलॉन बाय 2 से कम होता जाएगा जब m इन्फिनिटी की तरफ जाए। तो अब n1 और n2 इनमें से हम कोई एक मैक्सिमम वैल्यू लेकर n1 और n2 को n से रिप्लेस कर लेते हैं और फिर मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x n और x m इट इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन x n x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x x m, ये दोनों डिस्टेंस हम ऊपर देख लें एप्सिलॉन बाय 2 से कम है तो ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में बदल जाएगी, मतलब एप्सिलॉन बाय 2 f प्लस एप्सिलॉन बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब xn और xm के दरमियान डिस्टेंस x एप्सिलॉन से कम होगा जब n और m इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। तो ये तो एक्चुअली काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है, मतलब ये हुआ कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, काशी सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब हम कन्वर्स की तरह कि कन्वर्स जरूरी नहीं है कि हर काशी सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट हो, इसके लिए हम एक सेट x = 0 1 जिसमें 0 ओपन है और y क्लोज्ड है, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल है और यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस हम उस पर डिफाइन करते देते हैं, मतलब उसमें डिस्टेंस फंक्शन जो है वो x - y रूट के बराबर है और उसमें हम सीक्वेंस 1 बाय n ले लेते हैं। जिस तरह भी आपको बताया कि 1 बाय n काशी सीक्वेंस से कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि 1 बाय n जिस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 बाय n 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है और 0 तो एक्चुअली इस पॉइंट में है ही नहीं, क्योंकि देखें एक बात याद रखें कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए ये शर्त भी है कि वो सीक्वेंस जिस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करे वो पॉइंट उस मैट्रिक्स स्पेस में मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर ये जो 1 बाय n सीक्वेंस है वो 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है और 0 जो है वो इस मैट्रिक्स स्पेस x में नहीं मौजूद, तो मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस नहीं है कन्वर्जेंट इस मैट्रिक्स स्पेस में। तो मतलब ये कि ये जरूरी नहीं है कि ये एक तरह इससे ये साबित हो रहा है कि ये जरूरी नहीं कि हर काशी सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट हो। ठीक है, हाँ अगर हम इस x को क्लोज इंटरवल 0-1 के बराबर ले लें तो फिर इस केस में ये काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट बन जाएगा, लेकिन इस हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल के केस में ये काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास ये होता है कि अगर एक मैट्रिक्स स्पेस को हम कंप्लीट तब बोलते हैं अगर इसमें हम इसमें हर काशी सीक्वेंस क्या करे, कन्वर्ज करे। सिंपल सी बात है, अगर हर मैट्रिक्स स्पेस में काशी सीक्वेंस मतलब एक मैट्रिक्स स्पेस को हम कंप्लीट तब कहेंगे अगर इसमें कोई एक काशी सीक्वेंस नहीं बल्कि हर काशी सीक्वेंस इसमें कन्वर्ज करेगा, अगर हर काशी सीक्वेंस इसमें कन्वर्ज करेगा तो मैट्रिक्स स्पेस एक्स को हम कंप्लीट बोलेंगे, या अगर हम एक सबस्पेस ले लेते हैं कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की तो ये कंप्लीट तभी होगी अगर ये वाई बजाय खुद कंप्लीट हो, मतलब इसमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करे वाई सबस्पेस वाई के पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो अब जिस तरह देख लें, अब x = 0 1 हाफ ओपन इंटरवल है 0 1,
एक्स एन जो है वो 1 बाय एन के बराबर है और ये काशी सीक्वेंस है ना, मतलब काशी सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, और कन्वर्जेंट ना होने की वजह से ये मैट्रिक्स स्पेस क्या है, कंप्लीट नहीं है। हाँ, अगर आप क्लोज इंटरवल 0 1 ले लें तो फिर ये मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट बनती है हमारे पास। ठीक हो गया जी।